हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सुशील और आप सब लोगों का स्वागत है सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल में, जहाँ पे आपको ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के। तो अभी फिलहाल तो शॉर्टकट के ऊपर सीरीज चल रही है, तो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो 9th एपिसोड है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल नया है, लाइक कर दो और शेयर भी कर सकते हो तो उसको शेयर भी कर दो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम टेक्स्ट के अंदर वीडियो चला सकते हैं, तो वो वाला इफेक्ट हमने वहाँ पर बताया था, तो वो आपने इस वीडियो को देखा ही होगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आप वीडियो को कैसे क्रॉप करते हैं या फिर उसके जो भी इफेक्ट होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है शॉर्टकट का यूज़ करके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ एपिसोड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, क्रॉप स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फाइल्स में ऐड कर देता हूँ, कुछ फाइल्स का एक ही फाइल ऐड कर देता हूँ मैं, तो सारे के सारे फाइल्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, लाइक बहुत सारे क्लिप्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, एक क्लिप से ही काम चल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे टाइमलाइन बनाना है, इसको सिलेक्ट करना है, देन बाद में फिल्टर्स एंड देन बाद में प्लस साइन के ऊपर। तो यहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली सर्च करना है क्रॉप। तो क्रॉप सर्च करने के बाद में यहाँ पे तीन ऑप्शन आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो एक एक करके हम इन सभी ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्रॉप सर्कल को देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रेडियस दिखेगी, तो ये जो वाला ऑप्शन दिया हुआ इससे आप रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको कम चाहिए तो आप ये रख सकते हो, ज़्यादा चाहिए तो ये रख सकते हो, तो जितनी आपको चाहिए इतनी अगर रखनी है आपको, तो लेट्स सपोज कि मैं इतनी देता हूँ, फिर बाद में आप वीडियो को चला के देख सकते हो। लाइक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सर्कल में देखना है तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। अगर आपको ये जो बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसको येलो दे देता हूँ, सो भी आप देख सकते हो कि बहुत एक अच्छा है इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो आप जो भी आपकी लाइक रेडियस है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला सही लग रहा है, राइट। सो ये जो है वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, एक कौन सा भी कलर दे सकते हो, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो, देन बाद में यहाँ से आपकी जो भी रेडियस है वो आप कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो, ओके। तो अभी बात करते हैं इफेक्ट की, तो यहाँ पे इफेक्ट कैसे दे सकते हो। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आप कैसे यहाँ पे फ्रेम ऐड कर सकते हो, लाइक कैसे क्रॉप कर सकते हो। सो अगर आपने ये रखी तो पूरे वीडियो में यही रहेगी, लेकिन अगर आपको इसको स्पेशल एक इफेक्ट देना है तो उसके लिए आपको की फ्रेम्स का यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे की फ्रेम्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो की फ्रेम्स के ऊपर आपको सबसे पहले तो इसको एकदम स्टार्ट में रखना है कर्सर को, देन बाद में की फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे की फ्रेम एक ऐड हो चुकी है। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा, देन बाद में इसको भी इसको राइट क्लिक करके की फ्रेम टाइप स्मूथ कर देते हैं, यानी कि वो स्मूथ रहेगा, अच्छा इफेक्ट वहाँ पे दिखेगा। देन बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लाइक इतना यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे यहाँ पे ये वाला इफेक्ट दिखना चाहिए, राइट। अगर मैं ऐसा करूँगी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और एकदम एंड में यहाँ पे लेके आता हूँ, और जो भी आपकी रेडियस है वो एकदम से ज़ीरो यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफेक्ट कैसा बना है, राइट। तो हम देखते हैं कि कैसा, सो आप देख सकते हो कि जो भी रेडियस है वो आराम से एकदम से कम 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 होती जा रही है, और ऐसे ही आप भी कर सकते हो, राइट। सो ऐसे करके वो पूरा जो स्क्रीन है वो आपका स्क्रीन भी बंद हो रहा है, राइट। सो अगर आपको ये इफेक्ट देना है तो ये इफेक्ट दे सकते हो। देन बाद में अगर आपको ऐसा करना है कि स्टार्टिंग में थोड़ा रेडियस वहाँ पे डिक्रीज हो जाए, देन बाद में कांस्टेंट रहे, और देन बाद में टोटली बंद हो जाए, तो ऐसा अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि अभी तो जो भी हमने की फ्रेम डाली है उसको हम रिमूव कर देते हैं, राइट। की यहाँ पे रिमूव, और यहाँ पे भी एक की फ्रेम डाली हुई है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ओके। सो अभी टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं, तो टाइमलाइन के ऊपर ये है, राइट। तो जो वीडियो है वो हमें इस प्रकार का कुछ तो भी ये की फ्रेम निकाल देता हूँ, राइट।
अच्छा ये रेडियस यहाँ पे जीरो है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ओके सो यहाँ पे ये वीडियो जो है वो ऐसी चल रही है। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ तक है यहाँ तक लेट सपोज़ कि उसकी जो भी विड्थ है वो बढ़ेगी, दिन बाद में यहाँ पे कांस्टेंट वाली रखेंगे और दिन बाद में एंड में उसको बंद कर देंगे। ओके सो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, दिन बाद में यहाँ पे भी ऐसा एक स्प्लिट कर देते हैं। ऑलराइट सो सबसे पहला वाला यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे जाके कर्सर को भी रख देते हैं एकदम स्टार्ट में। ऑलराइट और वहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और दिन बाद में यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देते हैं। की फ्रेम में स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको जीरो ही 100% रखना है और देन बाद में जब जब वो आगे जाएगा लाइक अभी फ़िलहाल इसको सबसे पहले तो इसको स्मूथ कर देते हैं इसका जो भी टाइप है। दिन बाद में जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपका जो भी रेडियस है वो इतना हो जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 70%। ओके सो इतना यहाँ पर रहेगा। सो अभी आप इफ़ेक्ट देख सकते हो कि आपका जो इफ़ेक्ट है वो ऐसा रहेगा। राइट सो अभी आप जाते टाइमलाइन के ऊपर। सो जो बीच वाली जो है यहाँ पे अभी हमें 70% यहाँ पे कर देना है। तो इसको यहाँ पे की फ्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप 70% कर दो देन आपका जो वीडियो है कुछ ऐसा दिखेगा। अभी एंड वाला लगाने का बाकी है। ओके सो आपका वीडियो बीच में है वो ऐसा चलेगा। दिन बाद में एंड में एंड का जो क्लिप है अब उसके ऊपर हम की फ्रेम्स डाल देते हैं। ओके सो अब की फ्रेम में ऐड कर रहा हूँ। सो ये जो भी है यहाँ पे आपका 70% होना चाहिए 70% एंड देन जो आपका एंड होगा वहाँ पे आपका ज़ीरो हो जाएगा। ऑलराइट सो यहाँ पे जो इसका टाइप है उसका टाइप में चेंज कर देता हूँ स्मूथ और जो यहाँ पे भी रहेगा उसका भी मैं कर देता हूँ स्मूथ। सो आप इफेक्ट को देख सकते हो कि ये पूरा बंद हो जाएगा। राइट सो अभी पूरा वीडियो देखते हैं हम लोग। सो ये इफेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। राइट तो ये 70% तक जाएगा दिन बाद में रुक जाएगा और जब जो भी वीडियो है वो बंद हो जाएगा तब वो टोटली बंद हो जाएगा। ओके तो ऐसा कुछ हमने इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। जो भी बैकग्राउंड कलर है वो आप जो भी बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे येलो मैंने दे दिया वो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ऑलराइट सो ये वाला एक इफेक्ट था। ओके सो अभी जाते हैं नेक्स्ट वाले क्रॉप वाले इफेक्ट के ऊपर। तो अभी जो भी हमने यहाँ पे एडिटिंग करी है उसको हम निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए आपको बस ये जो राइट साइन होता है उसके ऊपर क्लिक करना है और पूरी की पूरी एडिटिंग यहाँ पे निकल जाएगी। लाइक पूरा का पूरा आपको जैसा था वैसा ही आपको ये यहाँ पे भी निकालनी पड़ेंगी और दिन बाद में यहाँ पे भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो जो भी इफेक्ट वहाँ पे लगा हुआ था वो सब कुछ इफेक्ट यहाँ पे निकल चुके हैं। दिन बाद में अगेन आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रॉप। तो हमने क्रॉप सर्कल वाला तो देख लिया, अब देखते हैं क्रॉप रेक्टेंगल में क्या होता है। ऑलराइट सो यहाँ पे भी पहली वाली जो भी क्लिप है उसको सिलेक्ट करिए दिन बाद में यहाँ पे क्रॉप रेक्टेंगल। राइट फिर से सर्च करिए क्रॉप एंड देन रेक्टेंगल। राइट सो इसका क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे भी दी हुई है कॉर्नर साइज, फिर साइज पोजीशन दी हुई है और देन वहाँ पे कलर भी दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कॉर्नर वाली होती है ना वहाँ से वहाँ वहाँ पे कुछ आपको ऐसा इफेक्ट देखेंगे। राइट मैं अभी इसको बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये कम कम होता जा रहा है और टोटली यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ओके सो ये भी एक अच्छा खासा एक इफेक्ट है। जो हमने लास्ट वाला देखा था वो टोटल सर्कल था लेकिन ये रेक्टेंगुलर में थोड़ा बहुत सर्कल है, इलिप्स जैसा कुछ तो भी दिखाई देता है। तो वो वाला इफेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको येलो कर देता हूँ मैं तो आप देख सकते हो कि लाइक ऐसे ऐसे आपका वीडियो दिखेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ इफेक्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं। ऑलराइट सो यहाँ पे सबसे पहले की फ्रेम्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको पहले तो ज़ीरो कर देते हैं देन की फ्रेम ऐड मैंने कर दी और इसको ज़ीरो ही रखना है और यहाँ पर मैं ज़ीरो डाल देता हूँ ज़ीरो एंड देन एंटर और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। तो उसका जो भी टाइप है वो आपको चेंज करना होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी टाइप रहेगा की फ्रेम टाइप वो आपको स्मूथ रखना है क्योंकि उससे वो इफेक्ट स्मूथ आपको दिखेगा। देन बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा
लाइक यहाँ तक आएगा तो उसका जो भी रेडियस है वो पूरा हो जाएगा, ओके। सो वो इतना हो जाएगा। तो आप अभी इफेक्ट देख सकते हो कि जो भी रेडियस है वो धीरे धीरे से वो बढ़ रहा है। तो सेम हम नेक्स्ट वाले में करेंगे कि वहाँ पे हम कांस्टेंट दे देंगे। सो हम टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसका ये नॉर्मल कर देते हैं यहाँ पे। सो ये इफेक्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे हमें प्लस साइन, देन क्रॉप, देन वहाँ पे क्रॉप रेक्टेंगल, और वहाँ पे जाके आपको कलर चूज करना है येलो, देन ओके, और जो भी रेडियस है वो बढ़ा दो पूरी। ऑलराइट, सो इफेक्ट आपको ऐसा कुछ देखेगा, और एंड में हमें उसको बंद भी करना है। सो अभी ये फ्रेम जैसा यहाँ पे ऐड हो चुका है, इतना वीडियो आपका क्रॉप हो चुका है ऐसे एलिप्स वाले शेप में। सो अभी लास्ट वाले का बस करने का रह गया, लास्ट वाली जो भी क्लिप हमने निकाली हुई उसका, सो उसको भी हम कर देंगे। लाइक अभी हमें उसको रिवर्स वे में करना होगा। सो यहाँ पे मैं रखता हूँ, उसको सिलेक्ट करना है, देन वहाँ पे प्लस क्रॉप रेक्टेंगल के ऊपर जाना है, और वहाँ पे आपको जो भी कॉर्नर की रेडियस लाइक, तो वहाँ पे आपको की फ्रेम्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर मामले यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी स्टार्ट होगा, स्टार्ट में आपकी जो भी रेडियस है वो ये इतनी सारी है, और यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं येलो, ओके। सो यहाँ पे इसको 100% रखना है, और देन बाद में जैसे जैसे वो आगे जाएगा वैसे वैसे उसको ज़ीरो कर देना है। और सो ये आपका यहाँ पे इफेक्ट बन चुका है, लाइक 100% एंड देन ज़ीरो। सो टोटल इफेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं अभी कैसा बना हुआ है। सब देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो बढ़ रही है, देन बाद में वहाँ पे नॉर्मल रहेगी लाइक 100%, और देन एंड में जो भी रेडियस है वो ज़ीरो हो जाएगी, जो भी आपका वीडियो था वो उतना ही रहेगा, ओके। सो एक अच्छा खासा इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यही एक इफेक्ट था, ये भी मुझे मतलब यहाँ पे शेयर करना था आप लोगों के साथ में। ऑलराइट, और अभी जा के देखते हैं अभी नेक्स्ट वाले इफेक्ट के ऊपर हम देखते हैं। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो भी इफेक्ट हमने दिए थे उन सबको इफेक्ट, उन सभी इफेक्ट्स को हम निकाल देते हैं। ऑलराइट, सो अभी जाते हैं प्लस साइन, देन क्रॉप आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सोर्स यहाँ पे आपको देखेगा। तो यहाँ पे आप की फ्रेम्स ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप ये की फ्रेम्स ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे होता क्या है तो वो ज़रूर आप देख सकते हो कि आप कर्सर को यहाँ पे रखिए। फिर बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। सो इससे क्या होता है ये बताने से पहले आप बताने से अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। सो अगर मैं यहाँ की वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड से जो भी आपकी क्लिप है वो थोड़ी सी कट हो रही है, क्रॉप हो रही है, और जितना आपको साइज चाहिए रहता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी क्लिप आपकी कट हो रही है वो ऊपर से कट हो रही है। ऑलराइट, लाइक नीचे से मूव तो ज़रूर हो रही है, नीचे से मूव हो रही है, लेकिन कट जो है वो ऊपर से हो रही है। लाइक नीचे का पार्ट कुछ भी कट नहीं हो रहा, वो बस मूव हो रहा है, लेकिन ऊपर का पार्ट कट हो रहा है। तो आपको जितना कट करने का है उतना आप यहाँ पे कट कर सकते हो। लाइक मैंने बहुत सारे मतलब वीडियो में देखा है, स्टैंडर्ड वीडियो में वो इतना कुछ ऐसा कुछ रख देते हैं, और यहाँ पे मतलब उनके जो भी नाम रहते हैं इंस्टाग्राम के पेजेस या फिर कुछ भी यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं, वो अपनी थोड़ी बहुत मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सो अपने गाने में देखा होगा कि ऐसे गाने चल रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई गाना, और ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहता, तो वो वहाँ पे लिखने के लिए आप इस प्रकार की क्रॉपिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट, दिन बाद में टॉप वाले को मैं निकाल देता हूँ, दिन बॉटम अगर करना है तो फिर बॉटम से जो भी क्लिप है वो कट होती जाएंगी, ऊपर से सिर्फ मूव होंगी। सो अभी आप देख सकते हो कि बॉटम से कट हो रही है, लाइक इनके पैर कट हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो भी है बस वो मूव हो रहा है ऊपर से, लाइक ये वाला इफेक्ट है। लेफ्ट में भी वैसा ही, लेफ्ट का क्रॉप होता ही रहेगा, लेकिन जो भी राइट का है वो राइट का वैसे का वैसा रहेगा, और ऐसा आप इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। राइट, सो जैसा भी आपको देना होता है तो वैसे ही वैसे आप दे सकते हो। राइट, सो इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी फिलहाल मैं एक ही क्लिप को यहाँ पे लगा रहा हूँ। राइट, जो भी इफेक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो, शुरू करके
लेकिन यहाँ पे कोई भी की फ्रेम्स मतलब की फ्रेम्स आप ऐड नहीं कर सकते, जो भी है वो एक ही बार मतलब लग जाएगा इफेक्ट जो भी है। क्रॉप सोर्स यहाँ पे टॉप का थोड़ा सा लगा देता हूँ और यहाँ पे भी लगा ही देता हूँ क्रॉप क्रॉप सोर्स जो भी टॉप है वो इतना मतलब भी आप ऐसा भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इफेक्ट्स आप दे सकते हो। ऐसे इन्हीं प्रकार के तीन प्रकार के मैंने आपको क्रॉपिंग बताई, होप आपको ये समझ में आएंगी, होप आपको ये अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, क्योंकि चैनल नया है आपको सपोर्ट करना ही होगा। लाइक अगर आप कर सकते हो तो यार कर दो यार, क्योंकि चैनल नया है तो मुझे वो मोटिवेट करेगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हो या फिर लाइक करते हो। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। तो टिल देन सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।